एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वार्नर ब्रदर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नेक्स्ट मर्चेंडाइज में ना एक अनबॉक्स नाइफ देना। इतनी आसानी से थोड़ी ना बैटमैन का हैंगओवर उतरेगा। तो ये दो बॉक्सेस आए हैं, ये बॉक्स मैंने आपको दिखाया था, ये बॉक्स दिखाया नहीं, ये बॉक्स के अंदर क्या है ये मुझे खुद को भी नहीं पता। तो अब इसको अनबॉक्स करेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल पे, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। उसके पहले थोड़ा खा लेते हैं। और स्कायू का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा फील हुआ मुझको, तो मैंने चेक किया, मुझे लगा थोड़ा फीवर आया होगा क्योंकि हमने वो पेनलेस वाली दवाई दी थी, इंजेक्शन दिया था उसको। तो डॉक्टर ने बताया कि बुखार इसमें बहुत रेयरली आता है, नहीं आता है, बट उसका टेम्परेचर राइज हुआ। चेक किया तो फॉर्चुनेटली 37.5 था, तो बड़ा नहीं है इतना। या सो फार सो गुड। वो क्या है ना, थोड़ा टेंशन आता है ना बच्चों को लेके। यू नो गाइस, टुडे आई एम सो डिलाइटेड टू बी पार्टनरिंग विद वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स फॉर दिस प्रमोशन। लेट्स बिगिन। सो बिग थम्स अप फॉर वार्नर ब्रदर्स फॉर सेंडिंग मी अक्रॉस दिस मिस्ट्री बॉक्स। ये जो डब्बा है ये मुझे कल मिला था, लेकिन मैंने बोला जब ये बॉक्स अनबॉक्स करूंगा तो उसके साथ ही ये दिखाऊंगा। तो पहले हम इसको खोलते हैं, इसको बाजू में रखते हैं। तो ये पैक होके नहीं आया था, मुझे ऐसे ही मिला था। ऑफ कोर्स आई वाज टू इंपेशेंट, तो मैंने ऑलरेडी खोल के देख लिया। तो इट्स अ वॉच पुलिस एक्स बैटमैन, तो प्रॉब्ली लिमिटेड और स्पेशल एडिशन वॉच बाय पुलिस। चलो इसको खोलते हैं। एंड जब खोलते हैं ना, सबसे अच्छी चीज़ पर क्या लगी मुझे, ये लगी, लुक एट दिस, लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस। ओके लुक, ये तो मैं अपने पास अपने वॉलेट में रखने वाला हूँ बॉस। इमेजिन करो इस पे एंग्रेव्ड करके अपना घर का एड्रेस लिखा, कितना खूबसूरत लगे। एंड देन यू रिमूव दिस, मुझे लगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन जैसे ही आप इसको कहाँ भटका गया बटन वो आ, ये दबा के इसको ऐसा खोलते हो, वॉच बाद में देखना, ये देखो हाउ कूल इज दैट। एंड नाउ लेट्स रिमूव द वॉच, लेट मी रिमूव दिस वॉच फर्स्ट। कल जब मैंने शैनेस को ये वॉच बताया, उसने बोला निखिल ये पहना करना, दिस लुक सो मच लुकिंग सो कूल। मेरा हाथ इतना बड़ा है, उसके बावजूद ये घड़ी कितनी बड़ी दिख रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, हैज अ वेट टू इट। तो इसको अभी निकालते हैं और अंदर डालते हैं, और अभी अपना अनबॉक्स करते हैं द मिस्ट्री बॉक्स। डोंट थिंक आई एम एवर गेटिंग ओवर दिस मैन, नेवर। यूजुअली आप देखते हो कुछ भी ऐसा आता है पार्सल तो फाड़ के अनबॉक्स करते हैं, लेकिन ओके तो जितने भी वार्नर ब्रदर्स ने मुझे बॉक्सेस भेजे हैं ना, सब मेरे पास अच्छे से सेफ पड़े हैं। एंड इट सेज द बैटमैन, ये जो कल पोस्टर मिला था देखो, ये आई डू बिलीव इस तरह खुलता है। एंड बहुत सारे बैटमैन के मर्चेंडाइज। तो जो डायरी आप तक जितनी मुझे डायरी मिली है ना, सारी डायरी यूज होती है शैनेज, और मैं उसका बहुत सारा प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, अगर ट्रैवल प्लान्स हो, बेबी के बारे में हो। एक्चुअली अगर हिंदी में कभी डब हुआ तो मैं बैटमैन की आवाज़ डब कर सकता हूँ। अब तक मैंने सुपरमैन का मास्क पहना था, अब हम पहनेंगे, ताकि सबको चीख चीख के बोलूं मैं बैटमैन का फैन हूं। वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है ऑलरेडी। शर्ट्स, आई लव टी शर्ट, 1-2 टी शर्ट एंड 1 हुडी। काश थोड़ा अच्छा मौसम होता, वैसे जहां हम जा रहे हैं शायद वहां पर ठंडा हो, तो वहां पर इसको पहनूंगा। आई एम वेंजन, आई एम बैटमैन। दिस इज अ बीनी, या दिस इज अ बीनी। यहां पर थोड़ा हार्ड मटेरियल है, इट्स अ पेन। ये पेन का अच्छा खासा वजन है, मतलब अब जब देखोगे तो लगेगा बहुत हल्का पेन है, लेकिन हल्का पेन नहीं, इसमें अच्छा खासा वेट है। बिलीव दिस इज अ कोस्टर, अगर कोस्टर मिला है तो आई थिंक इसके अंदर कप होगा। अब इसे हमारी कॉफी इस पे रखी जाएगी। तो वार्नर ब्रदर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नेक्स्ट मर्चेंडाइज में ना एक अनबॉक्स नाइफ देना, बिकॉज आपके इतने अच्छे खूबसूरत बॉक्स होते हैं ना, तो प्यार से अनबॉक्स करने में मजा आएगा। तो ऐसा होता गर्म पानी डालो इसमें और ऐसा बैटमैन का साइन आता, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो नाइस। मेरा कोस्टर और इस पे जाएगी हमारी ब्लैक कॉफी इस तरह, और ये एकदम चमचमाती बैटमैन की बॉटल, थर्मस वाली बॉटल है जिसमें गर्म चीज गर्म और ठंडी चीज ठंडी रहती है। और इन सब चीज के अलावा अगर आप देखोगे बॉक्स भी काफी अच्छा है, इसको भी मैं यूज करूंगा। तो वंस अगेन थैंक यू वार्नर ब्रदर्स फॉर सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल द बैटमैन एडिशन बॉक्स, एंड सबसे बड़ा थैंक यू ये वॉच के लिए। आई मीन दिस इज सो क्लासी मैन, द बोथ द बॉक्सेस आर ब्यूटीफुल। तो गाइस आज यानी कि 4 तारीख को, 4 मार्च को ये मूवी रिलीज हो रही है, जाओ थिएटर में जाके। अगर आप बैटमैन के फैन हो, नहीं भी हो तो फैन डेफिनेटली बन जाओगे। आपने मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मूवी का सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा। मुझे तो वो लगा वो जो पानी में जम आने वाला। हमारा इंटरव्यू था, लेकिन ये मैडम उठ गई और रोने लगी, तो मैंने आधा इंटरव्यू से उठ के इसको उठा लिया। उसके सवाल छानेस के रहे थे, मेरे लिए नहीं थे। कह रहे बदमाश, वैसे सो रही थी जैसे डेढ़ इंटरव्यू के बैठे उठ गई। कितना ले रहे मैगी? अभी शानिस का मूड हुआ कि बाहर से चाय ऑर्डर करती हूँ, शानिस बहुत से चाय बनाती है, बट कभी बाहर से ऑर्डर करने का मन करता है, हम बोलेंगे नहीं कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, तो शानिस बोलती थी यहाँ मैगी भी मिल रही है। मतलब मैगी मिल रही कितने की है, तो कितना बोला तुमने? 139 की मैगी। मतलब आई थिंक वो मैगी का प्राइस नहीं, वो पैकेजिंग का प्राइस है। आपने देखा होगा शार्क टैंक में अलग पैकेजिंग आती है, मतलब काम कर मैगी। चलो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑर्डर कर, देखते कैसे आती। बटर मैगी या वेज मैगी? अरे कोई भी मैगी ऑर्डर करना, तो अरे वेजिटेबल के साथ वाला मैगी। तेरे को जो ऑर्डर करना है ऑर्डर कर शानिस, हमको बस दिखाना है कि कैसे आती है। इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है क्योंकि मैं मैगी खाता नहीं इतना। हाँ। अरे हम लोग सिर्फ हम लोग कंटेंट के लिए खर्चा कर रहे, क्या हो बेबी?
आधा घंटा हो गया हमको मैगी ऑर्डर करके और उसके साथ चाय भी ऑर्डर की है। देखते हैं मैगी कैसे आती है। क्या बोलता है तेरी मैगी पचका हुई रहेगी नहीं? खोल के पता। I don't think so because you know I love their store very much. और ये मैगी आ चुकी, खुल चुकी और मैं हार गया because मैगी अच्छी लग रही है। वैसी लग रही जैसे कि बनती है। हाँ, ऐसे कैसे पता चला मैगी है यार? मुझे लगा कोई दूसरा नूडल्स रहेगा। मैगी का मतलब मैगी होता है, नूडल्स कुछ और होता है। चाय निकल। 100 रुपए की मैगी थी, 109 रुपए की मैगी ऑर्डर की, 109 की ऑर्डर, छोटी सी मैगी ऑर्डर की सिर्फ देखने के लिए कि 100 की होती नहीं होती है। गुड एक्सपेक्ट। अगर आपके पास पैसा है आपको ऑर्डर करनी है तो कर लो। बहुत कंटाला आ रहा है जाके किचन में मैगी बनाने के, तो ऑर्डर कर लो। मैं तो चाय पी लो भाई। अभी हम बहुत टाइम बाद रात को बाहर निकलते हैं और इस चाय का बेड ऑडिमल के टेस्ट करेंगे उसको नींद आती है कि नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं साहिल भाई के पास, वो जो ऑयल का टॉपअप था वो निकालने के लिए। क्या करे, रात को ही कर सकते हैं बिकॉज रात को ट्रैफिक नहीं मिलता। और जो हमारी फ्रेंड है गुंजन, वो आज रात को जा रही है ना। हाँ। वो आज रात को जा रही है, उसके जो गिफ्ट लिया था शादी में नहीं दे पाए तो वो हम लोग को एयरपोर्ट पे मिलेगी, उसको हम एयरपोर्ट पे देंगे। चलो हमको लगा नहीं था कि एयरपोर्ट पर जल्दी जाना होगा। क्या होगा इसको? दूध दे, दूध। हाँ, तुम लोग गाड़ी में बैठो, बट गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। लेट्स सी। तो एक्चुअली फटाक से गाड़ी चालू की, सीधा इधर लेके आया। रात को क्यों आया मैं? एक और रीज़न ये कि गाड़ी गर्म होगी ना तो गाड़ी ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा एक्सेसिव ऑयल निकालने के लिए। अपना मालूम पड़ा ऑयल निकाला और गाड़ी का ऑयल एकदम ही कम हो गया। और बाय द वे ये रही हैप्पी भाई की गाड़ी। हैप्पी भाई की गाड़ी पे काम चालू है। किसी ने तो मुझे बोला था कि भाई कल ही हो जाएगी, जब बैटमैन की पिक्चर देख रहे थे और वो रिडल जब आ रहा था, मैंने बोला था ऐसा कौन है वो चूरन जो चूरन देता है, लेकिन वो चूरन नहीं है, वो इंसान है। साहिल घंटे क्या बोला था? दो व्लॉग पहले, एक दिन में हो जाएगा, लेकिन तीन दिन हो गया। बट आई कैन सी सम कलर। तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ कलर का, जो कि बहुत अच्छा किया है। ओके साहिल फिरकी ले रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, साहिल अच्छा काम करता है। और ये छोटा सा पार्ट देख के आपको समझ में आ रहा है कितना अच्छा काम किया है। हाँ एक्सप्लेन करो। इनके स्पोक पे ना बहुत रस्ट लग गया है, तो उसको मेरे को एनोडाइज कराना पड़ेगा। ये जर्मनी से आई है, ओरिजिनल है भाई। रस्ट आपके आँख के सामने देखिए, मतलब ये नकली है? नहीं नकली नहीं, रस्ट हो गया है वो। क्या भैया इतना पैसा लेके लोगे? पता 7 लाख ज्यादा महंगी है मेरी बाइक से, 7 लाख एक्सपेंसिव। जैसे साहिल भाई के ऑफिस के अंदर आए, ये टीवी स्क्रीन दिख गया और मतलब लिटरली चिल्ला रहे थे कि मुझे टीवी स्क्रीन के पास लेके जाओ, मतलब हमको समझ जाता है। तो टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा हूँ मैं। साहिल भाई ऐसे लगाना पड़ेगा लगता है घर पे भी सीसीटीवी कैमरा। तो ने बोला था कि बहुत रेयर चांस आएगा, बट एक्चुअली इट्स बेटर आएगा, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और फिर भी टेंपरेचर वाज 37 ओनली, 37.5, दैट इज ओके। अच्छा अच्छा, हमारा एक खून है बोलती है मुझे घर के बाहर लेके जाओ। चलो भाई काम हो गया है और यहाँ पर साहिल भाई धंधे पे लग रहे हैं। बताओ जरा अच्छा लग रहा है ये कुछ भाई जीए से बनाने का? नहीं नहीं ऐसे ऐसे ये डेमो पीस लेके जाते हैं, डेमो पीस बिल्कुल नहीं। और अभी हम लोग आ गए एयरपोर्ट। एयरपोर्ट्स का आई यू, दिस इज योर सेकंड होम, यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट थ्रू आउट योर लाइफ। यू नो इतने सारे स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं ना, और वो जो अपने माँ-बाप को हग करके जाते हैं ना, मतलब वो कितने कितना देख रहा हूँ मैं, वो दिल को ऐसा छू जाता है यार। वो हमने भी किया था, हमको पता है कहाँ एहतियात से जा रही है ना, एहतियात वाला दिख नहीं रहा मेरे को। तो मैं गाड़ी के अंदर आ गया, मैंने बोला यहाँ पर से अलाउड नहीं गाड़ी खड़ी करना। तो हम लोग कैसे डिग्गी खोल रहा, दरवाज़ा खोल रहा, बंद कर रहा, सामान निकालने की एक्टिंग कर रहा। अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया, फिर दो तीन बार सिक्योरिटी ने बोला, तो आई वाज लाइक आई डोंट चाइनीज आई लेट मी बी। ये देखो अरे बच्चों को लेके पीछे चली गई यार, अकेला छोड़ के आई हैव टू गो ऐसे। तो गुंजन का गेट नंबर 5 था, हम लोग गेट नंबर 7 में खड़े हैं, बेचारे यहाँ पर है बिकॉज यू टर्न नहीं ले सकते, बस बाय बाय बोलना है उसका गिफ्ट दिया उसको। और मैं और एक राउंड लेके आया बिकॉज शानिस को ठीक से बाय बोलना था, बट मैं गाड़ी के वहाँ खड़ा हूँ। और ये भाई साहब देखो ये ताला लेके चल रहे हैं, यहाँ नहीं रहूँगा तो ताला लगा देंगे इसके लिए। शानिस को बोल रहा हूँ मैं यहीं पर हूँ, मेरे को नहीं चाहिए इसमें ताला लग जाए। मतलब मुंबई में रात को 12 बजे निकलो तब भी परेशानी होती है। अभी आते टाइम हम लोग लंबा घूम के आए और हम लोग को गंदी वाली ट्रैफिक मिल गई गांधीनगर में, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, हम लोग 15 मिनट वहाँ फंस गए। तो एनीवेज गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फॉर व्हाट रीजन डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए और सब्सक्राइब करो। विद दिस इज ऑलवेज शुक्रान अलविदा मा सलामा टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आवर लवली फ्रेंड्स आडियो जमिकल शबके टेक केयर बाय बाय। आज कयो काफी लंबा जाएगा।